नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल उमेश पे। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वाले वीडियो में कौन से भी कंपनी का फोल्डर चेंज किस तरह से करना है, आप नया फोल्डर कौन से भी कंपनी का लगाते दोस्तों, लेकिन उसके पास टच प्रॉब्लम, डिस्प्ले क्रैक प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों, तो किस तरह से आप सबसे आसान तरीके से फोल्डर चेंज कर सकते हैं, आपको मैं इस वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास कौन सा भी कंपनी का फोल्डर चेंज करने के लिए आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जो नया वाला फोल्डर लाते हैं उसको चेक करना है, और फोल्डर सही से आया है कि नहीं मार्केट से, उसको सबसे पहला चेक करना है। तभी मैं आपको इस वाले फोल्डर को चेक कर देख के दिखा देता हूँ दोस्तों। बहुत सारे बार ऐसा होता है दोस्तों, हम फोल्डर लगाते हैं डायरेक्टली, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं दोस्तों। तो फोल्डर लगाने से पहले हमें पहले उस नया वाले फोल्डर को पहले चेक करना होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ऊपर से फोल्डर लगा के चेक कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने नया वाला फोल्डर लाया है, ये टेक्नो का है। ये लगाने के बाद ये डिस्प्ले ओपन हो रहा है, मतलब ये फोल्डर सही से वर्क कर रहा है। फिर भी ये टच आगे जाकर आपको चेक करना है, तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये फोल्डर पहले चेक करने के बाद आपको ये साइड में रखना है, और आपको ये पुराना वाला फोल्डर को निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये फोल्डर पुराना वाला निकाला है, और ये निकालने के बाद आपको ये फोल्डर, ये फ्रेम होता है, ये चारों साइड से आपको क्लीन करना है। ये उसके साइड में पहला वाला फोल्डर लगा रहता है, उसका ग्लू रहता है, ये निकाल देना है। ये नहीं निकालेंगे तो कॉम्बो ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों, तो ये निकालना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा क्लीन हो चुका है। ये क्लीन करने के बाद आपको ये फोल्डर लगाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला मैं लगा के देख देता हूँ इसमें सही तरीके से लगता है या नहीं। बहुत सारे फोल्डर ऐसे भी होते हैं कि फ्रेम में लगते नहीं दोस्तों, तो इससे लिए आपको पहले देखना है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते, ये मेरा ये फोल्डर है, सही तरीके से बैठ रहा है। और दोस्तों, ये फोल्डर लगाने के समय ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है फोल्डर के ऊपर, नहीं तो फोल्डर क्रैक हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं फोल्डर ऊपर से अभी इस वाले फ्रेम में लगाकर चेक कर देता हूँ। फोल्डर लगाने के बाद आपको ये सबसे पहले उसका टच चेक करना है, सही से वर्क कर रहा है या नहीं फोल्डर के ऊपर। ये कभी कभी ये ज़्यादातर ये पैटर्न लॉक रहता है दोस्तों, तो इमरजेंसी कॉल में जाकर आप ये नंबर चेक कर सकते हैं। साइट में कैमरा का ऑप्शन रहता है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये पहले टच भी इसका चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने चेक किया चारों तरफ से, ये सही से टच इसका काम कर रहा है दोस्तों। तो अभी इसे लगाने के लिए रेडी है ये। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कौन सा भी कंपनी का फोल्डर लगाते हैं दोस्तों, तो इसके ऊपर ये नीचे ये टेप लगा रहता है दोस्तों, ये निकालना ज़रूरी है। ये नहीं निकालते तो ये इस वाले कॉम्बो में बहुत सारे फोल्डर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, टच का प्रॉब्लम भी आते हैं दोस्तों, और टच ये फोल्डर रहता है हीट भी होता है, इसलिए निकालना ज़रूरी है। ये नहीं निकालेंगे तो ग्राउंड का ये प्रॉब्लम रहता है, ये बहुत सारी बार प्रॉब्लम आता है फोल्डर में, तो ये बहुत ज़रूरी है निकालना।
बहुत सारी बार ये टेक्नीशियन ऐसे करते ये निकालते नहीं, इसलिए बहुत फोल्डर में प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने निकाले हैं, ये निकालने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं ग्राउंड का ऑप्शन होता है, ये ग्राउंड होता है फोल्डर और ये स्ट्रिप के बीच में, और इसके बीच में ये ग्लू भी रहता है, इसे सही से चिपक जाता है दोस्तों। और ये साइड वाला टेप रहता है ये भी निकाल देता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इसके बीच में एक ग्लू रहता है ये फोल्डर को चिपक जाता है, इसलिए इस वाले फ्रेम में लगा देता हूँ। लगाने के बाद ये स्ट्रिप है ये इस डिस्प्ले वाले में चिपक जाएगा और लगाने के लिए सबसे आसान रहेगा, इसलिए मैं अभी इसे लगा देता हूँ। और लगाने के बाद आपको चारों तरफ से देखना है ये फोल्डर कहीं से ओपन तो नहीं रहता है, ओपन रहेगा तो ये साइड में एलसीडी लाइट दिखता है दोस्तों, ये भी अच्छा नहीं दिखता फोल्डर लगाने के बाद, इसलिए आपको चारों तरफ से देखना है। अगर साइड से कोई ओपन रहता है ऊपर रहता है दोस्तों तो ये फ्रेम थोड़ा करना है इसे फ्रेम को, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्ट्रिप है ये इसे चिपक गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एलसीडी का ऑप्शन रहता है दोस्तों, इसे भी आपको ओपन रहेगा तो टैप कर देना है लाइट का, ये कभी कभी फ्रेम को शॉर्ट हो जाता है तो भी डिस्प्ले में हीट का प्रॉब्लम होता है। और अभी मैं चारों तरफ से इसे ग्लू से लगा देता हूँ, ग्लू लगा देता हूँ दोस्तों। ग्लू लगाते समय आपको ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है दोस्तों, और एकदम कम भी नहीं लगाना है, और ग्लू लगाते समय फ्रेम को नीचे भी नहीं लगना चाहिए, इससे क्या होता है कभी कभी ये फोल्डर के नीचे ग्लू जाता है दोस्तों, तो ये वापस निकालने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए लगाना नहीं ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते ये पूरी तरह से ग्लू लगा दिया है, मैं अभी इस वाले फोल्डर को लगा देता हूँ इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये सही तरीके से मेरा फोल्डर लग चुका है, अभी मैं इसे लबर कर देता हूँ। लबर करते समय ज़्यादा लबर टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा लबर भी लगाना नहीं है, अभी मैं इसे चार पांच से लबर ही लगाऊंगा चारों तरफ से, बस इतना ही लगाना है। और ये लगाने के बाद आपको सूखने के लिए कम से कम आधा घंटा तो देना है दोस्तों, तभी मैं इसे लगाने के बाद आधा घंटा इसे सूखने के लिए रख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सूखने के लिए ऐसे ही रखा था तो आधा घंटा हो चुका है, अभी मैं इसके ओपन कर देता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपको देख सकते हैं ये सही तरीके से चिपका हुआ है, अभी मैं इसे फिट कर देना है। दोस्तों ये फोल्डर पूरा लगाने के बाद आपको ये इसे ग्लू रहता है इसे क्लीन कर देना है, अभी मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। और इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस फोल्डर को लगा सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लगाया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको कुछ नया सीखना मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।